बिलासपुर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने बैरी रजादिया में लगभग 14 लाख रुपए की लागत से नव निर्मित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र भवन बैरी का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिला तथा प्रदेश में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोठीपुरा में एम्स का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए अन्य स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें घर द्वार पर ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेकों नई योजनाएं आरंभ की गई हैं, जिससे आम जन को लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण सहारा योजना चलाई है। ये योजना प्रदेश वासियों के स्वास्थ्य में सुधार के साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि बैरी रजादिया में बेहतरीन सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए नवगाम बैरी सड़क की मुरम्मत पर 20 लाख रुपए तथा बैरी रजादिया सड़क पर 5 लाख रुपए व्यय कर सुरक्षा दीवारों का निर्माण किया गया है। प्रदेश के सबसे बड़े कांगड़ा एयरपोर्ट की विस्तारीकरण की कवायद रफ्तार पकड़ने लगी है। विस्तारीकरण के तहत एयरपोर्ट को रनवे 3010 मीटर होना चाहिए। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विस्तारीकरण का ड्राफ्ट तैयार किया है। हालांकि पूर्व में रनवे की लंबाई 2450 मीटर करने की प्रपोजल थी, जिसमें अब और इजाफा किया गया है, जिससे कि बड़े जहाज भी इस एयरपोर्ट पर लैंड कर सकेंगे। एयरपोर्ट विस्तारीकरण के तहत इसके आसपास और भी कई तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी, जिसके लिए भूमि प्रारूप तैयार किया गया है। एयरपोर्ट विस्तारीकरण में कौन सी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, इसको लेकर रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजी जाएगी। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने बताया कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण हेतु एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिखा गया था, जिस पर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें रनवे की लंबाई 3010 मीटर के आसपास है। एयरपोर्ट के आसपास और भी सुविधाएं आएंगी, जिसके लिए भी अथॉरिटी ने मसौदा तैयार किया है। इसी कड़ी में पिछले सप्ताह एक बैठक हुई है तथा सरकार की ओर से नेगोशिएशन कमेटी की नोटिफिकेशन कर दिया गया है। कौन कौन सी जमीन इसके अधीन आने वाली है, उसका मसौदा तैयार करके सरकार को भेजा जाएगा। जिला मुख्यालय धर्मशाला में बजरंग दल द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लाए गए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर सर्टिफिकेट के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। बजरंग दल के जिला अध्यक्ष नरेंद्र धीमान के नेतृत्व में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने CAA और NRC के समर्थन में नारेबाजी की। 19 दिसंबर को धर्मशाला में हुए CAA विरोधी प्रदर्शन की जांच की मांग की। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना है कि विपक्ष द्वारा देश भर में एक्ट का विरोध करते हुए राजनीति करते हुए जो देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 19 दिसंबर को धर्मशाला की गांधी वाटिका में बाहर से कुछ वामपंथी लोग आए थे, जिन्होंने धर्मशाला में बिना अनुमति देश विरोधी प्रदर्शन किया और यहां की जनता को देश के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया, जिसका जवाब देने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता यहां एकत्रित हुए हैं। हमारी जिला प्रशासन से मांग है कि इस तरह के किसी भी प्रदर्शन की धर्मशाला में इजाजत ना दी जाए। बजरंग दल के जिला अध्यक्ष नरेंद्र दीवान ने कहा कि CAA देश हित में, ये एक्ट नागरिकता लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए लाए गए हैं। विपक्ष द्वारा देश भर में एक्ट का विरोध करते हुए राजनीति करते हुए जो देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। 19 दिसंबर को धर्मशाला की गांधी वाटिका में बाहर से कुछ वामपंथी लोग आए थे, जिन्होंने धर्मशाला में बिना अनुमति देश विरोधी प्रदर्शन किया और यहां की जनता को देश के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया। जिला प्रशासन से मांग है कि इस तरह के किसी भी प्रदर्शन की धर्मशाला में इजाजत ना दी जाए।